वेलकम वेलकम बच्चों की दुनिया में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। उसामा शेराजी, आयशा शेराजी, उमर शेराजी और क्या खबर है हाजिर है। आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज देखने के लिए बच्चों की दुनिया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आज हम बनाएंगे ब्रेड पोटैटो बॉल्स। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं ब्रेड पोटैटो बॉल्स, बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलिए फॉलो करते हैं आज की रेसिपी को, और रमज़ान स्पेशल रेसिपी, आप रमज़ान में इफ्तारी में सर्व कर सकते हैं, उसका मज़ा ले सकते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही झटपट बन जाती है। तो आइए देखते हैं कि ये रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, रेसिपी कैसे बनाई जाती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। सो बस हाफ के जी यानी कि आधा किलो लेंगे हम लोग आलू, और इन्हें पहले हम लोगों ने बॉईल कर लिया और फिर छील लिया, और अब इसे हम लोगों ने कुछ इस तरीके से पीस दिया जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। सो बस एक हम लोग लेंगे दरमियाने साइज की प्याज बारीक कटी हुई, तो आप लोगों ने इसे बारीकी से काट लेना है प्याज को, दरमियाने साइज की प्याज हम लोगों ने ली है। सो बस हाफ हम लोग लेंगे टमाटर, और उसे बिल्कुल बारीकी से छोटा छोटा काट लेंगे। दो दो हम लोग मिर्ची लेंगे, उसे भी अच्छे तरीके से बारीकी से काट लेंगे, और 2 टेबल स्पून हम लोग लेंगे धनिया की पत्तियाँ, और इसे भी हम लोग काट लेंगे। सो व्यूअर्स हियर आर सम स्पाइसेस। सो व्यूअर्स 1 टेबल स्पून हम लोग लेंगे गिंगर पाउडर यानी कि अदरक पाउडर, 1 टेबल स्पून हम लोग लेंगे क्यूमिन पाउडर यानी कि जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर, और 1 टेबल स्पून हम लोग लेंगे ड्राई कोरिएंडर यानी कि सूखा धनिया। तो इसे आप लोगों ने पीसना नहीं है, साबुत रखना है। सो व्यूअर्स हाफ टेबल स्पून हम लोग लेंगे नमक, हाफ टेबल स्पून हम लोग लेंगे चाट मसाला, हाफ टेबल स्पून हम लोग लेंगे सुर्ख मिर्च यानी कि रेड चिलीज, और हाफ टेबल स्पून हम लोग लेंगे अजवाइन यानी कि ऑरिगैनो। तो चलिए इन सब चीज़ों की जरूरत होगी मैं आज की ज़बरदस्ती रेसिपी बनाने के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स हम लोग लेंगे कोई सा भी बाउल जो नॉर्मली आपके घर में मौजूद होगा, और उसके अंदर हम लोग सबसे पहले ऐड करेंगे पोटैटो जिन्हें हम लोगों ने बॉईल करके पीस लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से हम लोग ऐड कर देंगे, और फिर हम लोग कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सो बस अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज यानी कि अनियन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज ऐड कर देंगे, और प्याज ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर, हरी मिर्चें और धनिया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये रंग बिरंगे ऐड हो चुके हैं, तो हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। हम लोग ऐड करेंगे अदरक पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक और चाट मसाला, सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे, और अजवाइन ऐड करेंगे। और अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे सूखा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रंग बिरंगे सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे ऐड हो चुके हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। तो अच्छे तरीके से हम लोग इसे मिक्स कर लेंगे आके सारे स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स हमारे सही से मिक्स हो जाएं। सो बस बैटर हमारा एकदम रेडी है जिसे हम लोग रोल करेंगे अपने ब्रेड्स के अंदर। तो चलिए ब्रेड से हम लोग साइड पर कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स करीब लेंगे हम लोग अपने ब्रेड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स के साइड्स हम लोग कट कर लेंगे। आप चाहे तो पिज़्ज़ा कटर की मदद से भी कर सकते हैं, और छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कुछ तरीके से हम लोग करेंगे। तो आप लोगों ने सारे ब्रेड्स को इसी शेप में लेना है, यानी कि सारे ब्रेड्स के आप लोगों ने साइड्स कट कर लेने हैं। तो ये फर्स्ट हमारी कट हो चुकी है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसे हम लोग साइड पर कर लेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सब सेकंड की बारी है, तो इस तरीके से हम लोग साइड्स कट करेंगे। तो आराम से आप लोगों ने कट करना है, क्योंकि जो मैंने ब्रेड दी है वो ज़रा सॉफ्ट है, मिल्की ब्रेड मैंने ली है, तो इस तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। तो इसी तरीके से हम लोग सारे करते जाएंगे। सो बस ब्रेड के हम लोगों ने मिला लिए क्रम्स, यानी कि इन्हें हम लोगों ने ग्राइंड कर लिए, और एक हम लोगों ने लिया अंडा, इसे हम लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ब्रेड पोटैटो बॉल्स बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस। तो आपको रेसिपी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए चैनल पर तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो इसी के साथ बच्चों की दुनिया को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में जो आइकॉन है उससे आने वाली मेरे हर रेसिपी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।